प्रियंका जी ने अभी शुरुआत में बोला कि जहां भी देखो नरेंद्र मोदी जी की पब्लिसिटी होती है, टीवी चालू करो नरेंद्र मोदी, रेडियो चालू करो नरेंद्र मोदी, सड़क पे चलो नरेंद्र मोदी। इतनी पब्लिसिटी का पैसा कहां से आता है? आप टीवी पे 30 सेकंड के लिए लाखों रुपए लगते हैं, अखबार में लाखों रुपए रखते हैं, ये देश में हर रोज जो नरेंद्र मोदी की फोटो आ रही है, इनका चेहरा आ रहा है, इसका पैसा कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी की जेब से तो नहीं आ रहा ना, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? आपने कभी सोचा कि करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी, पैसा कहां से आ रहा है? मैं आपको बताता हूं भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने आपका पैसा चोरी करके, लाखों करोड़ रुपए चोरी करके इन चोरों को दिया है। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी, लाखों करोड़ रुपए आपका पैसा छीनकर इनको दिया गया है। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, याद है मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, बुरे दिन आ गए ना। अब नया नारा सुनो, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। 5 साल में अच्छे दिन से चौकीदार चोर है तक पहुंच गए। अब 5 साल अन्याय किया, 5 साल अन्याय किया। आपको याद होगा यूपीए की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के किसान हमारे पास आए, आपने हमसे सवाल पूछा, आपने कहा देखिए ये अरबपति लोग हैं, इनके लिए बैंक के सामने लाल कालीन लगती है, हम जाते हैं बैंक के पास, बैंक में जाते हैं हमें कहते हैं भैया तुम यहां से परे हो जाओ, तुम्हारे ऊपर कर्जा है। आपने हमें कहा कि किसान का कर्जा माफ करके दीजिए, 10 दिन के अंदर 72,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान का हमने माफ करके दे दिया, 10 दिन के अंदर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, मैंने ऐसी मीटिंग में वहां कहा देखिए 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, कुछ भी हो जाए कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 10 दिन के अंदर हो जाएगा। भाइयों और बहनों 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर हमें कर्जा माफ कर दिया सबका। आज टीवी पे इंटरव्यू होता है, सवाल उनको दिए जाते हैं, नरेंद्र मोदी पढ़ के सवाल का जवाब देते हैं। देश के सामने बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, हिंदुस्तान के हर कोने में युवा चला रहा भैया हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं आम पेड़ पे चढ़कर उतार के खाता हूं। मैं सोचिए, मैंने अपना कुर्ता काट दिया, सूटकेस में कम जगह थी, नया आईडिया आया, मैंने कुर्ता काट दिया, सूटकेस में आसानी से जाता है। मतलब कौन सी दुनिया में है, कौन सी दुनिया में है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री? कहते हैं कि बालाकोट पर अटैक हो रहा था, वायुसेना के लोग आए, मुझे कहते हैं मौसम खराब है, इसको डिले करना चाहिए। और देखिए प्रधानमंत्री में कितना ज्ञान है, देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कितनी समझ है। एयरफोर्स के लोगों को कहा
घबराओ मत, बादलों से हमें फायदा मिलेगा, रेडार हवाई जहाज को बादलों में नहीं देख पाएगा। और फिर कहते हैं कि मैंने ये वायु सेना के लोगों को समझाया, मतलब जिन लोगों को ज्ञान है, जिन लोगों को समझ है, उनकी बात नहीं सुनते प्रधानमंत्री, अपनी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी, जब ऐसे बादल आते हैं तो क्या एयर इंडिया के हवाई जहाज, इंडिगो के हवाई जहाज, जेट एयरवेज के हवाई जहाज सब गायब हो जाते हैं क्या? मतलब समझ ही नहीं है, मैं बताऊं आपको, सच्चाई है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं है और इस बात को 5 साल के लिए छुपा के रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। मैं हर 2 दिन प्रेस वालों से मिलता हूं, पूछो जो सवाल पूछना है। मुझसे कहते हैं भैया रोजगार के बारे में बताइए, किसानों के बारे में बताइए, न्याय योजना के बारे में बताइए। उनसे कहते हैं आम आप कैसे खाते हो, मोदी जी आप कुर्ता कैसे पहनते हो, मोदी जी रेडार के बारे में बताइए, बादलों के बारे में बताइए, मोदी जी डिजिटल कैमरा के बारे में बताइए, मोदी जी आपने आपने इंटरनेट जो बनाया, जो आपने पहला डिजिटल कैमरा यूज किया, अडवाणी जी की जो फोटो ली आपने, डिजिटल कैमरा बनने से पहले जो आपने ली उसके बारे में बताइए अडवाणी जी। मोदी जी मुझसे कहेंगे न्याय योजना में पैसा कहां से आएगा, किसानों को आप सही दाम कैसे दोगे। आपने देखा, देखिए हंस रहे हैं, ये देखो वो देखो हंस रहा है, छुपो मत भैया, आ गया हो, ये देखो हंस रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, कहते हैं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, आरबीआई ने देश की अर्थव्यवस्था को रास्ता दिखाया, 70 साल से चला रहा है आरबीआई में, मतलब हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक नॉलेज है, अर्थव्यवस्था के बारे में जो ज्ञान है पूरा का पूरा उसमें भरा है, लिस्ट है वहां पे, उनसे नहीं पूछा, नोटबंदी कर दी। पता नहीं मालूम है नहीं मालूम आपको, नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट को नोटबंदी के समय रेस कोर्स रोड में ताले से बंद किया था, सच्चाई है। एसपीजी वाले मेरी भी सिक्योरिटी करते हैं, इन्होंने बताया मुझे कि आप जानते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से पहले अपने पूरे कैबिनेट को ताले से बंद किया। आप सोचिए, हिंदुस्तान, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, पारिकर, एक्सपीरियंस है, अब विचारधारा में अलग है, हम लड़ते हैं हराएंगे, मगर एक्सपीरियंस है, अडवाणी जी एक्सपीरियंस है। मैं इनसे गले क्यों मिलता हूं, जब भी मैं वीरभद्र सिंह जी से मिलता हूं, आप पूछिए उनसे, मैं गले मिलता हूं, गले क्यों मिलता हूं, क्योंकि एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, रिकॉर्ड है इनका, इस प्रदेश को रास्ता दिखाया है, सालों रास्ता दिखाया है। उधर गले मिलना छोड़ो, अडवाणी जी के और तो देखते भी नहीं है, मतलब यूं, ये कौन है भाई, ये कौन है, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, ये कौन है? अरे मोदी जी, इन्होंने आपको सिखाया, ये आपके गुरु हैं, घूमिए, इनको धन्यवाद करिए, इनका जो एक्सपीरियंस है उससे सीखिए। मगर नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था,
सो रहा था। अरे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने क्या किया, बेंगलोर के लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी से पहले तो सब सो रहे थे, मैं आया तो हिंदुस्तान जगा।